हेलो नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम। ये ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम लॉजी बर्ड का है और बहुत ही खूबसूरत है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका फ्रंट विथ एम्पलीफायर सिस्टम है और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी सिस्टम है, इंस्टॉल करना बहुत ही इजी। इसका तो बैक साइड का मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, जहाँ पे एम्पलीफायर का जो हॉर्न स्पीकर लगता है इसका। तो दोस्तों इसके साथ में जो एसेसरीज है वो है माइक। इसका एक माइक है, या ऊजा का माइक है। आप कोई भी अदर माइक जो आपके पास है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। 6.35 जो उसका पिन है वो आप उनके अंदर लगा सकते हैं फ्रंट में। जो नेक्स्ट एसेसरीज है वो है हॉर्न स्पीकर, या ऊजा का हॉर्न स्पीकर है। बिना एक्सटी का ये हॉर्न स्पीकर है, आप एक्सटी वाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक्सटी का वाला जो हॉर्न स्पीकर आता है वो अपन यूज़ करते हैं 100 और कॉमन पे। जो सिस्टम के अंदर दिया हुआ है 100, ये वाला 100 है, ये कॉमन है। तो जो बिना एक्सटी का जो हॉर्न स्पीकर आता है उसको हम 8/16 वाला, 8 ओम वाला या 4 ओम वाला, तो हिसाब से अपन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेसर में इसका बता देता हूँ सर। सिस्टम को ऑन कर लेते हैं अपन। मैंने सिस्टम को ऑन कर लिया है। सिस्टम के बैक साइड में ये स्विच दे रखा है, स्विच है यहाँ पे, फ्यूज़ है, कोई भी अदर सप्लाई या इसमें ज़्यादा सप्लाई या कम सप्लाई का उसमें एक्टिविटी होती है तो वो सिग्नल यहाँ पे दे देता है। दोस्तों इसके बाद में जाते हैं अपन इसके कनेक्शन पे। बैक साइड में जो कनेक्शन का ऑप्शन है ये कॉमन और 8 ओम, अपन को फॉरन स्पीकर को यूज़ करना है। सिस्टम की सप्लाई ऑफ करके आप जो भी काम करें वो सिस्टम की सप्लाई ऑफ करके ही करें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो ये 8 ओम का जो हॉर्न स्पीकर था मैंने इसका कनेक्शन इसका कर दिया है प्रॉपर। यहाँ पे मैंने कॉमन में इसको यूज़ किया और 8 ओम में यहाँ को लगाया मैंने। इसके बाद में सिस्टम को एक बार दोबारा ऑन करेंगे। ये आपका हॉर्न स्पीकर है वो ऑन हो गया है। ये माइक है, ये माइक मैं इसके फ्रंट में लगाऊंगा। माइक फर्स्ट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आपको इसमें ज़्यादा हार्डवर्क नहीं, कुछ भी नहीं करना। ये माइक आपको डायरेक्ट यहाँ लगाना है और माइक को आपको ऑन करना है। जैसे ही आप माइक ऑन करेंगे आपका माइक ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो माइक फर्स्ट है इसका वॉल्यूम अगर आप बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो इसकी आवाज़ आपको मिल जाएगी। आप हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, हेलो चेक, हेलो। इस टाइप से आपको आवाज़ मिलेगी। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे माइक, माइक टू में भी आप माइक लगा सकते हैं। तो दो माइक आप एक साथ इसमें यूज़ कर सकते हैं सिस्टम में। ऑन वो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी वो भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आते हैं अपन ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम पे। माइक को निकाल के रख देता हूँ। इसके बाद में आते हैं ऑटोमेटिक बेल सिस्टम पे।
फ्रंट पे जो ऑटोमेटिक बेल सिस्टम टॉप पे दिया हुआ है, डिजिटल प्रोग्रामिंग स्कूल बेल सिस्टम, सर इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें बस प्रोग्रामिंग करना है, सिस्टम को ऑन छोड़ना है, सिस्टम अपने आप वर्क करेगा। मैं आपको एक बार मैनुअल में जो साउंड फाइल है वो आपको सुना सकता हूँ, फाइल सीरियल नंबर 1 आपको सुना देता हूँ। This is zero period. This is zero period. This is period number 6. ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इस टाइप की इसमें साउंड आपको मिलेगी। आप इसमें मैनुअल में चलाने के लिए आप इसको अप डाउन में कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें सीक्वेंस होता है 0 से लेके 67 तक, इसमें तो इसमें साउंड फाइल है टोटल वो 0, 1 से लेके 67 तक साउंड फाइल है। आप उसको मैनुअल में ऑपरेट कर सकते हैं, अंदर प्रोग्रामिंग में जाके भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं जाता हूँ प्रोग्राम पे, प्रोग्राम वाली की मैं फ्रेश करता हूँ, सेलेक्ट पासवर्ड आता है, एस्केप करता हूँ। सिस्टम के अंदर सर पासवर्ड लगा रहता है, उससे क्या होगा कि जैसे कोई भी बच्चे आपका इसको छेड़ते नहीं है, हमको सिस्टम अपनी जगह वर्क करता रहेगा, पर्टिकुलर कोई एक इंजीनियर होगा जो सिस्टम को ऑपरेट कर पाएगा। ठीक है सर, इसके बाद में अपन जाएंगे प्रोग्रामिंग शेड्यूल पे, जो अपना सिस्टम का प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें न्यू प्रोग्रामिंग न्यू शेड्यूल में जाएंगे अपन। उसके बाद में सेलेक्ट शेड्यूल P01 आएगा, उसके बाद में टोटल बेल ये पूछता है, मतलब एक दिन में आपकी कितनी बेल ऑपरेट होगी। ठीक है सर, इस हिसाब से अपन, मैं अभी एक बेल इसमें सेव कर लेता हूँ, एंटर की दबाया मैंने, अभी 01 बेल है। अभी अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो आपका 18 हो रहा है, मतलब रेलवे टाइम चल रहा है 06 इवनिंग में, तो आपका 18 होगा वो 18। ठीक है जी, तो वो मैं टाइमिंग इसमें सेव कर लेता हूँ कि मैंने इसमें टाइमिंग डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने टाइमिंग डाल दिया 18:45। ठीक है, इसके बाद में जाऊंगा फाइल नंबर पे। फाइल नंबर अपन ने मैनुअल में जो देखी थी, सुनी थी, वो वाली फाइल नंबर मैं यहाँ पे अपनी चॉइस की कोई भी फाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मेरे को 01 करना है तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या अदर कोई भी फाइल नंबर जैसे 23 हुआ, 26 या 51। तो मैंने यहाँ पे 39 नंबर की फाइल सेव करी है, अभी मैं एंटर करूँगा वो फाइल इसमें सेव हो चुकी है। एस्केप करके बैक आऊँगा, मेरे को आना है यहाँ पे समर में। समर में आने के बाद मैं इसमें मंडे से लेके सैटरडे तक अपना जो प्रोग्राम रहेगा, वीकली जो प्रोग्राम रहेगा वो मैं सेव कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा कि वीकली प्रोग्राम के अंदर आप हर दिन नए प्रोग्राम से और नए शेड्यूल से भी आप बेल ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आज आपका मंडे है, तो मंडे को आप अगर 7 बजे से मॉर्निंग में आप ऑपरेट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप उसको 8 बजे से कर सकते हैं। ऐसे हर डे आप अलग अलग नया शेड्यूल इसमें डाल सकते हैं। संडे अगर पर्सनली कुछ और फंक्शन है तो उस हिसाब से अगर आपको इसमें प्रोग्राम करना है तो वो भी हो जाएगा। सैटरडे कुछ आपका स्पोर्ट्स का या कुछ सिंगिंग का या कुछ टाइमिंग आपको इसमें डालना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ओके सर, तो अभी मैं जाऊंगा मंडे ट्यूसडे, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जो मैंने प्रोग्राम किया है P01, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, सिस्टम की एक खासियत और आपको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि जब भी आप कोई नया शेड्यूल आप यूज़ करेंगे या कोई भी आप समर के अंदर वीक आप सेलेक्ट कर रहे हैं या डे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जब भी आप मंडे पे सेलेक्ट P01 शेड्यूल सेलेक्ट कर दिया ना, तो उसमें आपको बैक नहीं जाना पड़ेगा। उसमें आपको जैसे ट्यूसडे आ गया नेक्स्ट, फिर एंटर करना है, फिर वेनसडे आ गया, फिर आपको एंटर करना है, ऐसे कर्सर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे पे अपने आप ऑटोमेटिक ले जाएगा। आप कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे उसमें कि आपको
आपने कौन से डे में आपने P01 किया है, कौन से में आपने P02 किया है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करेगा सिस्टम। बहुत इजी सिस्टम है आपको यूज़ करने में। मैं संडे में जाऊंगा तो संडे को मेरे को ऑफ करना है। संडे ऑलरेडी इसमें ऑफ आ रहा है वैसे, बाकी इसमें आप अप डाउन से भी इसमें ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं एस्केप करके बैक आऊँगा। इसके बाद में मेरे को आपको और फंक्शन इसमें दिखाना है, जैसे अपना समर आ गया, विंटर आ गया, विंटर का भी आप प्रोग्राम इसमें डाल सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम आपका 7 डेज या 15 डेज का जो भी एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें भी आप नए शेड्यूल से आप इसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं। कैलेंडर हॉलीडेज आप डाल सकते हैं। कैलेंडर हॉलीडेज में होता क्या कि जैसे जनवरी है, जनवरी में अगर आपको 5 छुट्टियाँ अगर आपको उसमें ऐड करनी है तो वो छुट्टी के दिन सिस्टम वर्क नहीं करेगा, वो आप पहले ही ऐड कर चुके हैं 5 छुट्टी। फरवरी आ गया, फरवरी में आपको 3 छुट्टी ऐड करनी है तो उस दिन सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ें इसमें होगी। ओके सर, ये मैं कैलेंडर में नो कर देता हूँ, सिस्टम में बैक करके चला जाता हूँ। ये अभी मैं प्रोग्राम पे आ गया, तो अभी जो टाइमिंग मेरे को दिखा रहा है 02 नवंबर वेनसडे 18:55, जो मैंने टाइमिंग डाला था वो इससे कम था, मतलब 18:45, 10 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए वो टाइमिंग शो नहीं कर रहा है। नीचे दिखा रहा है वो डेज वेल ओवर। तो जैसे आप इसमें टाइमिंग ऐड करेंगे, 18:55 से ज़्यादा टाइमिंग आप इसमें ऐड कर रहे हैं, आप 17 का जिसमें इसमें 19 डालेंगे, 20 जैसे रात को 8 बजे का इसमें टाइमिंग आपका डाल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइमिंग इसमें नीचे जो होता है वो। ओके सर, इसके बाद में मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको और बता देता हूँ एक बार। सिस्टम को इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। सिस्टम है, सिर्फ एक ही पावर कोड है इसमें। इसमें आपको कोई पेचकस की यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेचकस आपको लिए दो ऑप्शन है इसमें आपको हॉरन स्पीकर कनेक्शन करने के लिए, बाकी पेचकस इसमें आपका किसी भी काम का नहीं है। ठीक है सर, इसके बाद में मैं आपको इसकी बनावट बता देता हूँ। थोड़ा क्वालिटी है, वो क्वालिटी बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ने इसको बनाया है। रखने का जो ऑप्शन दिया है, स्टड स्टड काफ़ी इसके मजबूत स्टड हैं, 5 स्टड जो कंपनी ने दिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बना के दिया है। आपको सिस्टम को सिर्फ रखना है और प्लग लगाना है और ऑन करना है सिस्टम को। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना स्कूल इंस्टॉलेशन का सिस्टम हो गया, स्कूल बेल सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो गया। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कैसा क्या फीडबैक आता है। ओके सर, थैंक यू।